गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज देखने जा रहे हैं हम बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के हिंदी और अंग्रेजी जो कि क्वालिंग 5 पेपर है उसका 11वां पार्ट यानी 11वें दिन की क्लास। और दोस्तों हम शुरुआत करेंगे, बीच में आपसे बातें होती रहेंगी और मोटिवेशनल लाइन्स ज़रूर आप लोग हमें एक एक लिखते जाइए। जैसे कि अगर आपकी मोटिवेशनल लाइन मुझे पसंद आ जाती है तो उसको हम अपने वीडियो में बिल्कुल पिन कर देंगे। जैसे कि कोई विजय भाव हैं, उन्होंने एक बहुत ही बेहतर मोटिवेशंस भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मत छेड़ो मेरे हौसले को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, सुनिए, उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं कि मत छेड़ो मेरे हौसले को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा और लिख देंगे ऐसा इतिहास कि ऐ जिंदगी तुझे पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। याद रखें दोस्त, को बहुत बहुत शुक्रिया, ये मोटिवेशंस आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा ही एक मोटिवेशंस आप भी डालिए, अगर पसंद आती है तो मैं आपको पिन करूँगा और आपका नाम कल रखूँगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप मोटिवेट अब रहिए, चैलेंज कीजिए अपनी जिंदगी को और बिल्कुल तैयार रहिए एग्जामिनेशंस के लिए। आप सफल होंगे, बिल्कुल होंगे, और इसी दुआओं के साथ कि आप सफल हो जाएंगे। और शुरुआत करते हैं, पहला है प्रश्न आपके सामने कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। जो नीचे आइटम्स दिया गया है उसमें 1 से 8 नंबर तक के क्वेश्चनों में से 8 प्रश्न अंग्रेजी के, जो भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, 9 से 30 तक जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी के प्रश्न होंगे। तो इन टोटल्स में आपको जो है 9 नंबर्स एग्जाम्स में मंगाने हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का टारगेट 15 नंबर कम से कम रहती है। तो प्रश्न आपके सामने है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, यानी कि नीचे दिए गए जो आइटम्स है उसका जो अप्रोप्रिएट है लगभग लगभग उसका मीनिंग, यानी हिंदी मतलब उसका मीनिंग किस सेंस में आ सकता है। पहले तो बॉटम लाइन लिखा हुआ है, हमें पहले यह पता होनी चाहिए कि बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि बॉटम लाइन का जो मतलब होता है वह होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। याद रखेंगे बॉटम लाइन का जो मतलब होता है वह होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य। इसी से संबंधित जो है मस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग, अर्थात इससे जुड़ा हुआ शब्द इसमें से कौन है, एन इंपॉसिबल टास्क, एक असंभव सी कार्य। द मस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि एक संभव सी जो फैक्ट है, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया YouTube चैनल। दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही जल्द या इट मे बी पॉसिबल कि 50,000 सब्सक्राइबर के पास हम लोग पहुँच गए होंगे। और ये सभी आपके दुआओं के बदौलत, आपके प्यार के दौलत हो रहा है। मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए आता हूं, कोशिश तो आपके लिए जारी है, और इसीलिए तो कहता हूं कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल करके देखो। ये जो है बहुत ही बेहतर पंक्ति है और इसको जो है एक शानदार व्यक्ति ने, दुष्यंत कुमार ने इन पंक्ति को लिखा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल करके देखिए। इसको जो है हमारे लिए प्रभात रंजन ने भेजा था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला प्रश्न दूसरे नंबर देख लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। याद रखेंगे इसमें जो है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनने की ज़रूरत है, मैच बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें कोई मिस स्पेल्डिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है मैटरनल, थोड़ी सी इस पर विचार करेंगे, अगर कोई समस्या होगी तो फिर आएंगे। उसके बाद क्या मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये भी सही ही लिखा गया है। तो तीनों ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मटेरियल जो है उसमें जो है ई प्रयोग कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि एम ई के स्थान पर ए होना चाहिए। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। तो आकर आपका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हुआ है तो बिल्कुल आप दूसरा अंक हासिल कर चुके हैं। बढ़ते चलते हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि अभी पढ़ाई नहीं बल्कि कोई क्रिकेट का कमेंट्री चल रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप मुझे आगे बढ़ाए हैं उस तरीके से हम आपके लिए पूरी अपनी ताकत और जी जान झोंकने की कोशिश करेंगे।
अगला देखते हैं और कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि दिए गए जो शब्द हैं उसका एंटोनेम्स, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इसका विपरीतार्थक शब्द चुनने की आवश्यकता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो शब्द यहाँ पर दिया गया है डिले। डिले जो होता है इसका मतलब क्या होता है इस संबंध में, तो डिले मतलब होता है कि देर से, यानी कि देरी से, तो उसके होल्ड कर देना माने रोक देना, पोस्टपोन कर देना यानी कि उसको खत्म कर देना, रेस्ट्रिक्ट यानी कि प्रतिरोध कर देना। और वहीं पर अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का, एडवांस माने पहले से, तो जहां पर डिले का मतलब देरी से होता है वहीं पर एडवांस का मतलब पहले से होता है, यानी कि एंटोनेम्स डिले का जो होगा वह मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय सब्सक्राइबर्स, वो एडवांस का होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से मोटिवेट रहने के लिए जो है हमारे साथ बने रहिएगा। एक शायर कहता है कि हुस्न क्या चीज़ है, रुखसार में क्या रखा है, और अगर दिल ही बदल जाए तो फिर इस संसार में क्या रखा है। तो याद रखेंगे अब वो समय आ चुका है जब अपने आप को चेंजिंग करने की कोशिश कीजिए, लगे रहिए, मोटिवेट रहिए, एग्जाम्स आप पास करेंगे हर हाल में। पर अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर कि ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, इसका मतलब ये होगा मेरे प्रिय छात्रों, प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, यानी कि एक व्यक्ति जिसका बहुत लंबा सफर रहा हो किसी व्यवसाय के साथ, इसको जो है एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें चुनना है अगर हिंदी में बात करें इसकी। तो यहां पर देखेंगे वेटरन लिखा हुआ है, जेनियस लिखा गया है, और वहीं पर सेशंस लिखा गया है। तो सही आंसर इसके चौथा का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेटरन। वेटरन का मतलब होता है दोस्तों अनुभवी, याद रखेंगे वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। तो ये एक ऐसा आदमी जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा किसी काम के लिए, उसको हम लोग वेटरन के नाम से, वेटरन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक नया प्रयोग हमने किया है इस यूट्यूब चैनल पर, आज जो अंग्रेजी के क्वेश्चंस हैं उसमें नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और आप देखते रहिएगा, फिर हमारी कुछ अपनी पर्सनल बातें होंगी आपके साथ। देखिएगा, रीड द पैसेज एंड गिव आंसर ओवर 5 to 8, यानी कि इस पैसेज को देख लेना है प्रिय बंधुओं, और इसके आधार पर आपको आंसर खोजने हैं। ध्यान से इसको पढ़िएगा, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा। इन 776 BC द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट द फुट ऑफ द माउंट ओलंपस बाय द ऑनर ऑफ द ग्रीक चीफ गॉड, याद रखेंगे गॉड जिसका नाम है जीएस, यानी कि जीएस बिल्कुल सही है कि 776 ईस्वी से पहले पहली ओलंपिक गेम जो है हेल्ड की जाती है फुट ऑफ माइंड के द्वारा ओलंपस यानी कि ऑनर में, एक ग्रीक के जो चीफ हैं, प्रधान हैं, एक गॉड जिसको भगवान जीसस के सम्मान में इसको जो है रखा गया था। वहीं पर बात किया जाए कि ओरिजिनली दिस वेयर हेल्ड एज अ गेम ऑफ द फ्रेंडशिप, रियल में यह सभी जो गेम है ओलंपिक वाली गेम वह फ्रेंडशिप के माध्यम से, यानी कि फ्रेंडशिप को, दोस्ती को या दोस्ताने भाव को फैलाने के लिए की जाती थी। एंड एनी वार्स इन प्रोग्रेस वेयर हेल्टेड टू अलाउ द गेम्स टू टेक प्लेस, यानी कि किसी वार भी चल रहे हैं तो उसको रोक करके और इसमें प्लेसेज उनको दी जाती थी। द ग्रीक अटैच्ड सो मच इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम, यानी ग्रीक जो हैं अटैच होते थे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से इस गेम को लेते थे। अब यहीं पर बात आ जाती है कि इन प्रश्नों का जवाब देना है, अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी रखे होंगे तो मे बी पॉसिबल कि इनके आंसर्स ज़रूर देंगे। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। प्रिय दोस्तों, कभी भी निगेटिव कमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, मोटिवेशंस वाले कमेंट्स कीजिएगा। अगर पसंद आ जाएगी तो आपको आपके मैसेज को पिन करेंगे, अपने पता लिख दीजिएगा, वहीं से हम आपको बताएंगे, आपको पूरे बच्चे लोग सुनेंगे। कहता है कि वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट द फुट ऑफ, तो कहता है कि कहाँ पर जो है पहली ओलंपिक गेम्स जो है क्या किया गया था, हेल्ड किया गया था, इसको संयोजित किया गया था कहाँ पर। तो पांचवे का अगर ऑप्शन नंबर माउंट ओलंपस यानी में आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है उस पैसेज को पढ़ करके तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है
कि वाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यहाँ पर दिख रहे हैं वाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी कि ओलंपिक की गेम जो है क्यों जो है हेल्ड की जाती है, यानी कि क्यों हेल्ड की गई थी। यहाँ पर देखेंगे वाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी कि ओलंपिक की गेम क्यों हेल्ड की गई थी, यानी कि प्रथम बार की बात है। टू स्टॉप वार्स, स्टॉप वार को स्टॉप करने के लिए। टू क्राउन द बेस्ट अटैचेड, या फिर द ऑनर ऑफ द जीसस, यानी बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं। टू ऑनर ऑफ जीसस, जीएस, यानी कि जीएस के सम्मान में जो है इसको ओलंपिक गेम को शुरुआत किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि छठे का अगर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी कमेंट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। हम बढ़ेंगे अपने मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल, आगे देखते चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड दिस गेम्स ऑरिजिनेट, यानी कि प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पर लिखा गया अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड दिस गेम्स ऑर्गेनाइटे, यानी कि ऑर्गेनेट, यानी कहने का मतलब हुआ कि लगभग कितने साल पहले जो है इस गेम को, ओलंपिक की गेम को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि इसको सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर, बहुत सारे लोग जो हैं ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत आंसर है। 776 ईस्वी जो है दोस्तों वह पहली बार इसको शुरुआत किया गया था, लेकिन ये कह रहा है कितने साल इसके पहले, तो अभी मान लीजिए कि 23 हो जाएगा, 2023 है, और उसमें 700 जो है आप जोड़ दीजिए 76, उम्मीद करते हैं कि 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएंगे, और उसके बाद 7 और 3 10 के बाद 2 यहां पर हो जाएगा 3, यानी कि 3076। लेकिन एक वर्ड इसमें लिखा गया है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि सत्य के करीब, लगभग लगभग कौन सा आंकड़ा है, तो इस आंकड़े से जो मिलता जुलता होगा वही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका अप्रॉक्सीमेटली के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर अभी क्वालिंग 5 पेपर, यानी कि 30 नंबर्स वाला जो है हिंदी और अंग्रेजी में इंग्लिश पार्ट को। अगला प्रश्न है Why we use BC in any sentences? प्रश्न है कि why we use BC in any sentences? यानी कि हम लोग BC का प्रयोग किसी सेंटेंस में क्यों करते हैं? Date of time, यानी कि समय के, यानी कि डेट या समय के बताने के लिए, समय बताने के लिए, दिनांक बताने के लिए, years before ईसा मसीह, उसके बाद date of era और none of the above। सही आंसर है कि years before ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी चीज़ें आती हैं BC, before Christ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर अगर बी आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही है। अब इतना देर से आप हमें सुन रहे थे, एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा देर के लिए अब हमारी महत्वपूर्ण बातें सुनिएगा, छोड़ करके मत जाइएगा, मैं आपका एक मिनट समय लेता हूं। दोस्तों बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल जो है ई बुक अपना लॉन्च किया है, जिसको भारी संख्या में लोगों ने खरीदा है, हिंदी और अंग्रेजी का 30 अंक वाला, जिसका रेट कितने हैं, तो इसकी रेट जो है 20 रुपये है। याद रखेंगे आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर पर दिए गए पर आप मैसेज करके और 20 रुपये उसका पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से बिहार स्पेशल की 100 प्लस पेज के साथ जो है दोस्तों आपको बुक अवेलेबल कराया गया है बिहार स्पेशल का, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको भी 20 रुपये में ले सकते हैं। अगर दोनों बुक को लेना चाहते हैं तो 40 रुपये पेड करके इसको ले सकते हैं। और कल सुबह से इसकी रेट जो होगी कल 10 बजे से, याद रखिए मैंने कहा था कि आज तक ही ऑफर में चलेगा, बिहार स्पेशल की किताब जो है उसकी रेट कल से जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और उसकी रेट 30 रुपये हो जाएंगे। कल 10 बजे के बाद से इसकी रेट जो है बिहार स्पेशल किताब की 30 रुपये हो जाएगी। तो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखते चलते हैं, बिल्कुल खरीद लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 और 30 कहीं आते हैं कहीं चले जाते हैं, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, पढ़िएगा उसके बाद मज़ा आ जाएगा इस बुक को। उसमें सेट्स भी है, 5 सेट दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, 20 सालों से पीछे से क्वेश्चन पूछा गया उनको दिया गया है, इतिहास पढ़ाया गया, भूगोल पढ़ाया गया, बिहार का सारे बिहार के कंटेंट उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। 100 पेज आपको महज 20 रुपये में सुबह कल 10 बजे तक, लेकिन कल 10 बजे के बाद उसकी रेट 30 रुपये हो जाएंगी। आगे फिर ये बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है, से एग्जाम्स आएगा ये बढ़ता ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई वी यूज बीसी इन एनी, तो इसका आंसर हो गया है हिंदी का, शुरुआत करते हैं। आइए हिंदी में जिनका भी आंकड़ा सबसे पहले, आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी में कितना नंबर्स मंगाया है, एक बार कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हमारी खेल खत्म हो चुकी है, हम आगे बढ़ते चलते हैं आपके लिए। दोस्तों देखते रहिएगा,
भारी संख्या में सेट दिए गए हमारे बुक में, उसमें जरूर आप इसको सेट लगाइए, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जरूर जरूर खरीद लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि सर आप एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं, मैं अपने ही बुक के लिए लेकर आता हूँ ना, आपसे नहीं मांगूंगा, आपसे नहीं खरीदूंगा खरीदने के लिए, तो किससे कहूँगा, आप ही से ना कहूँगा। तो थोड़ा सा इतना देर पढ़ाते हैं दोस्त, आप मुझे दो मिनट नहीं सुन सकते, प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत कीजिए, बुरा लगता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या है, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। ग्राम शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या है, क्या मोहल्ला है, घर है, गृह है, गांव है। तो याद रखिएगा, अगर आपने भी चुना है 90 का ऑप्शन नंबर डी, तो आपका भी हो जाएगा आंसर नंबर एक और सही, एक और आंसर आपका सही हो जाएगा। पूरा अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जैसे रोज बताते हैं अच्छा लगता है दोस्त, लेकिन एक देखते हैं कि कल कौन जो है मोटिवेशंस को अपने पिन कराता है इस मैसेज में। आज तो विजय भव नामक के कोई आईडी थे, उन्होंने पिन कराया, बहुत खूबसूरत, मुझे मज़ा आया इसलिए मैंने पिन कर दिया। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, अपराध है, उद्गम है, भीड़ है या भीड़ भाड़, अवतार। तो निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, अपराध नहीं है, उद्गम, भीड़ भाड़, ये भीड़ भाड़ जो है ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, तो भीड़ भाड़ एक प्रकार की देशज शब्द है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट, आंसर कमेंट कीजिए, रुकना नहीं चाहिए कमेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा, जल्दी करते चलिएगा। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन है, तो मनुष्य का भाववाचक क्या हो जाएगा, 11वें का अगर आपने भी दोस्त चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनुष्यता जो है मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। अड़ना क्रिया में कौन सा विशेषण शब्द बनाया जा सकता है, अड़ना क्रिया से देखेंगे, अड़ना क्रिया से जो है कौन सा हम लोग विशेषण शब्द बना सकते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, क्या जड़ना बना सकते हैं, अड़ियल बना सकते हैं, जानकार बना सकते हैं, अड़ियलता बना सकते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, अड़ना क्रिया से कौन सा विशेषण शब्द बनाया जा सकता है निम्नलिखित में से, तो 12वें का सही आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर चुना है बी, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर सही। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हमारे पास, मैं बार बार इस शायरी को बोलता हूँ कि मत छेड़ो मेरे हौसले को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा और लिख देंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इतिहास आपको लिखना है इस बार, ऐसी कोशिश करना है, किसी हाल में छटना नहीं है, चाहे कितना ही देर पढ़ना पड़े, पढ़िए, पढ़ने के लिए आप अभी हैं, उसके बाद पढ़ाने के लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगले नंबर का आंसर बताया था ना मैंने, अगले नंबर का, हाँ बिल्कुल, अड़ियल बताया था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर मैंने बताया था। आगे देखते चलते हैं, प्रश्न है 13 नंबर, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, काला, लंबा, 50, युवा, निम्नलिखित में से कौन जो है गुणवाचक नहीं है, तो ये गुण बताता है, लंबा भी गुण बताता है, युवा भी एक प्रकार की गुण ही बताता है, लेकिन 50 जो है यह किसी प्रकार की गुण नहीं बताता है, बल्कि यह एक मात्रा बताता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते चलिएगा, बढ़ते चलिए, लगातार हौसले को बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिए, फटाफट हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार। आज तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, हाँ अगला ई बुक किस पर चाहिए उसको भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए, उसको हम तैयार करा रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द क्या है, अंकुर, प्रश्न है कि अंकित और अंकुर विद्यालय को जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जाता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्म्यादि बोधक। तो देखिए, क्रिया विशेषण तो है नहीं, विस्म्यादि बोधक तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क्स नहीं लगा हुआ है। अब रहेगी बात समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, इन दोनों में से कौन सा है, तो 14 नंबर का प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। अंकित और अंकुल विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और का प्रयोग जो है वह समुच्चय बोधक के रूप में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बुक भी फ्लैश हो रहा होगा, इसको लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन पुलिंग स्त्रीलिंग का सही जोड़ा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है पुलिंग और स्त्रीलिंग, शुरू में पुलिंग बाद में स्त्रीलिंग, ऐसा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन नहीं बनाया गया है, बालक बालिका ये सही है, नर नारी ये सही है, सभी सत्य है, नहीं सर भगवान और भगवंती नहीं होता है, भगवान और भगवंती ये जो है पुलिंग स्त्रीलिंग का सही जोड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर हो जाएगा सही। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्यान से बिल्कुल थोड़ा सा भी मिस्टेक मत कीजिए, शब्द प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से जो प्रश्न है उस प्रश्न के हिसाब से प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, क्या पड़ा जुड़ा हुआ है, नहीं याद रखेंगे उसको, हार में जुड़ाते तो प्रहार हो जाता, प्रति जुड़ा है, परा जुड़ा है, प्रा जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर है कि प्रत्येक में दोस्तों प्रति शब्द जुड़ा हुआ है यानी कि उपसर्ग के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने कमेंट किया है तो बिल्कुल सही है, कमेंट करते चलिएगा, कमेंट करते चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, लगातार जुड़ते चलिएगा, और अगर देखते हैं 50,000 सब्सक्राइबर आज हो जाते हैं या नहीं, बिल्कुल मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 200 बाकी है, जब ये क्लास शुरू होगा तो अगर 50,000 हो गए होंगे तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारे कंग्रेचुलेशन। शब्द धूमिल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रश्न है शब्द धूमिल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रश्न देखिएगा ध्यान से, शब्द धूमिल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ल लू इल मिल, तो देखेंगे प्रश्न आपके सामने धूमिल में कौन सा, तो धूम प्लस इल बराबर बन जाएगा धूमिल, इस प्रकार से 17 नंबर आंसर अगर आपने भी कमेंट किया है ऑप्शन नंबर सी, तो एक नंबर मिल जाएंगे आपको ज़रूर साहब। एक और जोड़ लीजिएगा अपने पास, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऊ और ए से निम्न में से क्या बनेगा, ऊ और ए को मिला दें, ह्रस्व उ और ए, इन दोनों को अगर ऐड करने की कोशिश करें तो प्रिय बंधु इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम लगातार बने रहिएगा। ऊ प्लस ए निम्न में से, या निम्न में से क्या बनेगा, ऊ और ए को मिला दें, 18वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, वे, याद रखेंगे ऊ और ए को मिला देने से बनता है कितना, वे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा, ऊ और ए को निम्न में से अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो ऊ और ए को मिलाने से वे का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, जरूर जरूर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, वाह क्या बात है, बहुत ही कमाल आप लोग कर देते हैं। जो भी व्यक्ति नए हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो प्रत्येक 8 बजे जो है भाषा से संबंधित क्वेश्चंस हम अपने YouTube चैनल पर लेकर आते हैं, दिन में 2 से 3 वीडियोस देते हैं, कोई अगर कंटेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बताइएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। भानुदय में निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है, तो भानुदय में भानु प्लस उदय, याद रखेंगे भानु में ह्रस्व होता है और प्लस उदय और उ मिलकर के दीर्घ हो जाता है, इस प्रकार से लिखता है भानुदय तो उ दीर्घ हो जाएगा, तो यह दीर्घ संधि का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते चलिएगा फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से जरूर आप देखते चलिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर आ गया, शब्द रसोई घर में कौन सा समास जुड़ा हुआ है, शब्द रसोई घर में कौन सा समास जुड़ा हुआ है, शब्द रसोई घर में कौन सा समास, 20 का जल्दी से कोई अगर दिक्कत हो जाती है हमसे तो प्लीज़ आप लोग हमें सजेशन जरूर कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर गलती हो गई है, हम भी इंसान हैं साहब, कुछ गलतियाँ हो जाती है, अगर हो गई तो फिर सुधार भी लिया जाएगा। शब्द रसोई घर में कौन सा समास है, 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने भी तत्पुरुष समास चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाक्य के अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है वाक्य के अंग हैं, तो उद्देश्य है, विधेय है, दोनों सत्य है या कोई सत्य नहीं है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वाक्य के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय इन दोनों को मिला देने से वाक्य का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से दोनों के दोनों सत्य हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर चुना है सी तो यही आपका हो जाएगा आंसर भाई। आगे बढ़ते चलते हैं, बहुत बढ़िया, एक मोटिवेशन लाइन जरूर लिखिएगा प्लीज, हमको भी मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है, डीमोटिवेट मत कर दीजिएगा साहब, बहुत मेहनत करते हैं भाई, आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोग कर रहे होंगे। जिस वाक्य में मात्र एक क्रिया हो,
वह कैसा वाक्य होता है। जिस वाक्य में मात्र एक क्रिया हो वह कैसा वाक्य होता है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपर्युक्त में से किसी भी प्रकार का वाक्य नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि यह वाक्य नहीं है, है तो वाक्य। जिस वाक्य में मात्र एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्त सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में मात्र एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने आंसर कमेंट किया उन सब का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, योग साधना में डैश और शाकाहार का एक विशेष महत्व होता है, ऐसा शब्द भर देना है कि यह जो वाक्य है एकदम सार्थक वाक्य का रूप ले ले, किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरणीय हिसाब से इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं हो पाए। प्रश्न है, योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व होता है, अल्पाहार, फलाहार, मिताहार और आहार। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें भरेंगे, मिताहार। योग साधना में मिताहार और शाकाहार का विशेष महत्व होता है, ऐसा भरेंगे तो यह एक सटीक शब्द बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपका एक और नंबर हो जाता है दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, नीर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से है कौन सा? तो आपके पास ऑप्शन है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, वायु है। आज के इस सेट का सबसे आसान सा क्वेश्चन यही है, नीर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। 24 का अगर आपने ऑप्शन नंबर किया है बी तो आपका हो जाएगा आंसर सही। प्रश्न है कि नीर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, सही आंसर है कि जल जो होता है इसका नीर का सही पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं दोस्त, प्लीज आपके लिए किताब बनाए हैं, किताब आपको ही देना है, किताब ले लीजिएगा, फिर ये आने वाले भविष्य के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। बिहार स्पेशल की बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ले लीजिए, फिर उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एक बुक बेहतर तैयार हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपए की बात है साहब, आज तक सुबह 10 बजे तक, कल सुबह 10 बजे तक ये 20 रुपए हैं, अगले दिन इससे 30 रुपए इसके रेट हो जाएंगे। जो दूसरे के सहारे जीता है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या है, जो दूसरे के सहारे जिए वो निम्नलिखित में से है क्या, पालतू है, अनाथ है, परजीवी है, निराधार है, जो दूसरे के सहारे जीता है ठीक है उसे क्या कहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से उसके ऊपर रहता है ठीक है उसे क्या कहते हैं। दिए गए ऑप्शन के अनुसार सटीक आंसर निम्नलिखित में से क्या होगा, तो आप लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है सही है कि जो दूसरे के सहारे जीता है परजीवी कहलाता है, यानी कि दूसरों पर जीवन निर्भर कराने वाला जो आदमी होगा या कोई भी चीज़ होगा उसको परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार एक प्रश्न है और प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ में क्रोध जुड़ा नहीं है, अर्थ में यहाँ पर में एक छूट गया है, कर दीजिएगा कोई बात नहीं है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ में या किस मुहावरे के अर्थ में क्रोध से जुड़ा नहीं है, क्रोध शब्द जो है जुड़ा नहीं है, या उसके जो अर्थ निकालेंगे तो उसमें क्रोध वाली शब्द नहीं निकल करके आएगी। दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है, तो खून खोलना जी इसमें तो क्रोध वाली बात है, आँख लाल पीली होना इसमें भी क्रोध वाली बात है, आग बबूला होना बिल्कुल ये क्रोध होना ही होते हैं, और उसके बाद नाक रगड़ना भी बिल्कुल नहीं, नाक रगड़ना में क्रोध वाला शब्द नहीं आ रहा है। लगातार मेहनत करना, नाक रगड़ना, तो निम्नलिखित में से किस मुहावरे के अर्थ में क्रोध से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में क्रोध से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। 26 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे करके, आराम आराम से बढ़ते चलिए, स्कोर को 15 से ऊपर किसी प्रकार किसी हाल में हमेशा रखिए। जाके पाँव फटे बिवाई, बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, ओह क्या गजब गजब को क्वेश्चन है भाई, लोकोक्ति है ये, लोकोक्ति है, जबरदस्त लोकोक्ति, ये आंसर आप तो कर ही दीजिए ना सब। जाके पांव फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जबरदस्त एकदम क्वेश्चन है, आंसर तो आपको चुन ही लेना चाहिए। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, अर्थात जाके पांव फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, ओह क्या बात है गजब।
ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दूसरे की कष्ट को अनुभव करना, तो नहीं नहीं दूसरे के ऊपर जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो हिंदी का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का प्राचीनतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा मिलता है या कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है, सामवेद से, यजुर्वेद से। कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए। प्रश्न है, हिंदी का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है, 28 का सही आंसर। प्रिय दोस्तों, आपने भी अगर ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट कमेंट करते चलिएगा कि हिंदी का प्राचीनतम रूप निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। प्रश्न है, जबरदस्त है प्रश्न, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सांकेतिक रूप में, कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में प्रयोग हुआ था, तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो है, प्रिय मित्रों अगर आपने भी चुना है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सारे लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं सही, ओहो क्या बात है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में किया गया था, 29 का ऑप्शन नंबर, वाह क्या बात है। सांकेतिक अगर आपने भी चुना है तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। अंतिम नंबर प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हुए हैं, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाला वर्ण क्या कहलाता है। प्रश्न आपके सामने है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाला वर्ण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। प्रश्न देख लीजिएगा, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाला वर्ण निम्नलिखित में से क्या है, घोष, स्पर्श, स्वर, व्यंजन। कमेंट कीजिए, जबरदस्त कमेंट कीजिए, वाह क्या बात है, बढ़िया से जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्न है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। सही आंसर अगर आपने भी चुना है 30वें का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जाते जाते आपका जो है बेहतर एग्जाम्स जाए, इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं बेहतर वाक्य के साथ कि आप इस बार एग्ज़ाम्स में हर हाल में सेलेक्ट हो जाइए और हमें भी याद कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स आप ले सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।